नमस्कार, सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की हाइलाइट्स अरिंदम और सालेहा के साथ। जनता से सीधा संपर्क और निरंतर संवाद रखने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। उन्होंने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी की मूर्ति का रायपुर में अनावरण किया और जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 220 किलोवाट के विद्युत स्टेशन की आधारशिला रखी और 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर जनसभा में मुख्यमंत्री ने श्री त्रिवेदी का स्मरण करते हुए उनके नाम से खेल स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की। और ये माननीय कि मूर्ति के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां मूर्ति देखती है तो मन में भाव पैदा होता है कि मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है। और वो जब उनके अध्याय जानता है, जानकारी प्राप्त करता है, उसको एक गर्व महसूस होता है, उसको खुद को प्रेरणा मिलती है। कैलाश जी के नाम का स्टेडियम की बात करिए, उसको मैं घोषणा करता हूँ गाँव के यहाँ स्टेडियम बनेगा। मुख्यमंत्री ने गंगापुर कस्बे के कॉलेज में कृषि संकाय खोलने सहित सभी स्थानीय मांगे पूरी करने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बाड़मेर रिफाइनरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। जितने बड़े उद्योग लगेंगे वहाँ पर 300 किलोमीटर में उद्योग लगेंगे, प्लास्टिक आधारित वहाँ लगेंगे। रिफाइनरी से तेल और उसका तो रिफाइन हो गया होगा, पर साथ में पेट्रोकेमिकल्स होता है जिससे आपके कई तरह के धागे बनते हैं, मान लीजिए अलग किस्म के वो काम है। प्लास्टिक आधारित उद्योग लगेंगे, रोजगार मिलेगा लाखों लोगों को। जनसभा में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की राजधानी जयपुर में कल से शुरू हो रहे इन्वेस्ट राजस्थान समिट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण सोपान साबित होगा और राजस्थान में निवेशकों का रुझान बढ़ेगा। 11 लाख करोड़ के एमओयू हो चुके हैं राजस्थान में, पूरी कॉन्फिडेंस रखी हम लोगों ने। हम उम्मीद है कि पहले जो एमओयू किए हैं, पहले जारी किए हैं, तो अधिकांश लोग आएंगे। कॉन्फिडेंस हो रही है, इन्वेस्टमेंट राजस्थान इन्वेस्टमेंट हो रही है, उनसे हम सब लोग लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि नौकरी बहुत बड़ी चीज है, सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती, फिर भी राजस्थान रिकॉर्ड बना दिया है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की मेजबानी के लिए जयपुर तैयार है, डेलीगेट्स का आना भी शुरू हो गया है। इस समिट में उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। मुख्यमंत्री सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समिट में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। समिट की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि औपचारिक शुरुआत से पहले ही रोजगार के अवसर बढ़ते नजर आ रहे हैं। सबसे अधिक निवेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में है। चिकित्सा, फार्मा, हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म सहित 32 क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावित है। इन क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने से करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बात जब राजस्थान में विकास के बढ़ते सोपान की चली है तो आपको ये भी बता दें कि राजधानी जयपुर को आज सोडाला एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने जा रही है। इससे यातायात सुगम होगा और लोगों का समय भी बचेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में आज मशहूर पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने मुलाकात की। उन्होंने हाल ही मार्केट सिटी में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक हासिल किया है। श्रम राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने भी राज्यपाल से भेंट की। प्रदेश में कल से नौनिहालों को डायरिया और कुपोषण से बचाने के लिए चिकित्सा विभाग सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान में जुटने जा रहा है। 21 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान लोगों को इन बीमारियों के लिए जागरूक किया जाए। विभाग 5 साल तक के पीड़ित बच्चों को ORS पैकेट्स और जिंक टैबलेट निशुल्क उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को पौष्टिक आहार, साफ सफाई और हाथ धोने के सही तरीकों की भी जानकारी देंगे। RPSC की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूल व्याख्याता के 6000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 11 अक्टूबर से शुरू होगी। 2 पारियों में होने वाली ये परीक्षा 17 अक्टूबर तक चलेगी। और अब बात रंग रंगीली मरुधरा पर होने वाले एक फेस्टिवल की। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से सूर्य नगरी जोधपुर में मारवाड़ उत्सव का आगाज होने जा रहा है। 8 और 9 अक्टूबर को होने वाला ये समारोह मरुधरा के वीरों की याद में होता है। इस दौरान शोभा यात्रा सहित कई अन्य गतिविधियां भी होंगी। तो दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार।